हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल क्रिएशन बाय अनीता सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एम्ब्रॉयडरी वाले नेक डिजाइन को आप किस तरीके से इसकी चौड़ाई को कम कर सकते हैं और अगर नेक टेढ़ा मेढ़ा है तो आप उसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग की कटिंग नेक के अकॉर्डिंग कर लिया है, बैक नेक के अकॉर्डिंग, और नीचे से हमने हाफ इंच मार्जिन छोड़ा है फोल्डिंग के लिए क्योंकि हम इसमें इनविजिबल स्टिच करने वाले हैं। नीचे से जो बॉर्डर है वो पाइपिंग वाला है, इसलिए नीचे से हाफ इंच मार्जिन छोड़ा है। अगर विदाउट पाइपिंग है तो आप नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं लाइनिंग में। तो यहाँ पर ये जो नेक की चौड़ाई है अप्रॉक्स यहाँ पर 8.25 है, 8 इंच है। तो इसमें आप नेक को 6 इंच, 6.5 इंच या 7 इंच जितना रखना चाहें आप रख सकते हैं, बाकी बची हुई चौड़ाई को आप कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से उल्टी साइड में हमें नेक को फोल्ड कर लेना है। तो अगर आपका नेक का जो शेप है राउंड है या स्क्वायर है, जो भी डिजाइन है, अगर वो बिल्कुल ऊपर से मिलाने के बाद परफेक्ट आ रहा है तो आप ऊपर से मिला सकते हैं, और अगर परफेक्ट नहीं आ रहा है तो नीचे से जो नेक में डिजाइन बना हुआ होगा आपको उसके पॉइंट से मिलाते हुए इसको सेट करना है नेक को। तो मैंने नीचे से इसे सेट कर लिया है क्योंकि जो राउंड है वो थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया है नीचे से। तो एक साइड हमारा छोटा है और एक साइड ऊपर से बड़ा है। तो ये जो नेक की हमारी लेंथ है वो 7.5 इंच है, ऊपर से 1/2 इंच अलग से निकाल के है, ठीक है। तो टोटल हमारे ये 8 इंच आ गया है, जितना भी ये बॉर्डर था वहां से 7.5 इंच हमारे नेक के बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर लेंथ का मार्क लगा लेना है। अगर आपको पूरा आ रहा है तो ठीक है, और अगर पूरा नहीं आ रहा है नेक, आपको लेंथ छोटी करनी है ब्लाउज की, तो आप पाइपिंग को निकाल लें और लेंथ मेजर करने के बाद पाइपिंग को वापस से लगा लें। तो यहाँ पर मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। जो हमारा ब्रॉडी वाला साइड है वहां से हमें अंदर की तरफ नेक का जितना भी विड्थ आपको रखना है उतना आप रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.75 इंच पर मार्किंग कर ली है, और बाकी बचा हुआ जो हमारा साइड का है जितना भी ये आपका आएगा आपको उतने पार्ट्स को स्टिच करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऊपर से हमें तिरछे में नीचे की तरफ इंच टेप को रखना है। तो यहाँ पर ये ब्रॉड हम चेक कर लेंगे। तो ये 4 इंच का ब्रॉड है, इसको मैं यहाँ पर 3.25 या 3.5 इंच आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि जितना आपका ऊपर चौड़ाई है उतना ही आपका ये नीचे शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये निशान मैंने यहाँ पर तिरछे में लगा लिया है। ये निशान आपका इसी तरीके से लगना है, जितना भी आप मार्जिन कम करेंगे वो तिरछे में ही लगेगा क्योंकि स्ट्रेट हम नहीं लगा सकते, शेप बिगड़ जाएगा इस तरीके से आपके नेक का। तो ये तिरछे में ही ये निशान हमारा लगेगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा राउंड बन चुका है। अभी इसकी चौड़ाई को हम मेजर करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे 5.5 इंच नेक की चौड़ाई आ गई है। आपको 6 इंच रखना है तो आप 6 इंच भी रख सकते हैं, 6.5 इंच रखना है तो वो भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब इस तरीके से एक्स्ट्रा हमने ऊपर से कट कर लिया है, 1/2 इंच मार्जिन हमने जो स्टिचिंग का दबाव में आता है वो हमने ऊपर से रखा हुआ है। तो बस अब लाइनिंग के पार्ट को हमें इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। अंदर की तरफ से हमारा ये सीधी साइड है, ऊपर से हमारा रॉन्ग साइड है। तो मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से मिलाते हुए पिन से सेट कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमें पिन से इसको अच्छे से सेट करना है। तो बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला के रखना है। तो ये नेक पर भी मैंने पिन लगा लिया है। तो बिल्कुल ये जो हमारा नेक का सेंटर है लाइनिंग के सेंटर से मिलाते हुए मैंने इसको अच्छे से रख लिया है। तो ये गाइज नेक जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है वो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी थी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से राउंड के अकॉर्डिंग पिन से सेट करते हुए रख लिया है। तो आपको भी इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी वाले नेक को रखना है। तो ये जो मार्जिन है एक्स्ट्रा हमारा वो अभी हम बाद में कट कर लेंगे स्टिच करने के बाद। तो बस इस तरीके से आपको इसको सेट कर लेना है पिन से। तो अब हमें बिल्कुल इसको ये जो हमारा नेक का शेप है उसके अकॉर्डिंग स्टिच करना है। तो जहां भी अगर आपको टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा लगेगा तो वहां पर आप पिन निकाल के इसको स्टिच करते वक्त भी सीधा कर सकते हैं। तो बस अब बिल्कुल ये जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है उसके जस्ट टच में हमको ये सिलाई लगाते हुए जाना है। एम्ब्रॉयडरी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल किनारे से हमें ये सिलाई लगानी है। अगर आपका एम्ब्रॉयडरी प्लेन है तो आप बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा सकते हैं। अगर उसमें स्टोन वर्क हो रखा है, बीड्स का काम हो रखा है नेक के डिजाइन में, तो आपको बिल्कुल टच में सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल एक सूत छोड़ते हुए आपको सिलाई लगानी है। वो इसलिए क्योंकि जब आप इसको पलटेंगे तो
आपका जो लाइनिंग है वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा। अगर आप बिल्कुल टच करके लगाएंगे तो आपका लाइनिंग ऊपर की तरफ नजर आएगा। तो ये हमने सिलाई यहाँ पर लगा ली है, बैक में एक बार जरूर चेक कर लें। और उसके बाद क्वार्टर इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर लेनी है और राउंड पर इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। सिलाई पर कट्स नहीं लगना चाहिए। अब इसको सीधी साइड में हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो ये नेक डिजाइन हमारे यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमारा राउंड भी बिल्कुल परफेक्ट आया। पहले हमारा जो राउंड था वो टेढ़ा था, तो ये जो यहाँ से पार्ट छोटा है शोल्डर स्टिच करने के बाद अगर दिखाई देता है तो आप जो साइड्स के कट्स होंगे उनको वहां पर लगा सकते हैं। अब इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है रैप करते हुए, और ये जो हमारा लाइनिंग का लाइन दिखाई दे रही है आपको, नीचे का जो हमारा मार्जिन है एक्स्ट्रा स्टिच वाला, बिल्कुल उस लाइन पर हमें इसको रख लेना है। तो इसमें ये जो पाइपिंग है, इस पाइपिंग को हमें अंदर की तरफ यानी ऊपर की तरफ कर लेना है, बाहर की तरफ नहीं करना है। जहां पर हम स्टिच लगानी है वहां पे नहीं करना, बिल्कुल अंदर की तरफ इस पाइपिंग को कर देंगे ताकि जब हम इसे सीधा करें तो ये हमारा पाइपिंग बाहर की तरफ आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको सेट करते हुए बिल्कुल सिलाई हाफ इंच पर लगा लेनी है मार्जिन के अकॉर्डिंग। अब सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है, इसको हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस से बिठा लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर सिलाई लग चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग जो है वो बाहर की तरफ आ गई है और ये इनविजिबल सिलाई हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अब सिलाई लगाने के बाद इसको हमें, ये जो हमारा साइड्स का ओपन पार्ट है इसको भी हमें स्टिच कर लेना है ताकि ये जो हमारे दोनों पार्ट है वो आपस में अटैच हो जाए। तो अब हमें ये जो हमारा डार्ट है इसको भी स्टिच कर लेना है। तो पहले सेंटर से हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारे दोनों पार्ट्स आपस में जॉइंट हो जाए और उसके बाद हमें ये डार्ट्स की स्टिच यहाँ पे लगा लेनी है। तो बिल्कुल सिंपल है ये डार्ट्स की स्टिच लगाना। तो दोनों तरफ मैंने लगा लिया और हमारा ये रेडी हो चुका है बैक पार्ट। गाइज अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल इनविजिबल बैक साइड रेडी हो चुका है, नेक भी हमारा इनविजिबल है। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।